हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक, स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइस, आपको इस चैनल पर टेक, इंटरनेट प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, ऐप रिव्यू, मोबाइल टिप्स आदि से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अगर आपने अभी तक दीप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, आज मैं देने वाला हूँ एक जियो की लेटेस्ट एपीएन सेटिंग और एक ऐसी ट्रिक भी आपको साथ में बताने वाला हूँ जिससे अगर आपका इंटरनेट बिल्कुल भी अगर डाउन है, अगर एपीएन सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर आपको इमरजेंसी मतलब कुछ अपलोड या डाउनलोड करना है या फिर नेट चलाना है इमरजेंसी, तो गाइज उसके लिए एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि हर एक जियो यूजर्स की डिवाइस में तो काम करेगी बट जितने भी अदर नेटवर्क होगा उनके डिवाइस में वो वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। वैसे भी गाइज, जो मैं आगे आपको एपीएन सेटिंग देने वाला हूँ, मुझे लगता है एपीएन सेटिंग के बाद आपको उस ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। बाई चांस अगर आपके डिवाइस में एपीएन सेटिंग काम नहीं करती है तो गाइज उस ट्रिक को यूज करना है और उससे आपको अपना इंटरनेट चलाना है। तो गाइज, कौन सी आज मैं आपको इंटरनेट सेटिंग और एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ वो देखने के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइज, एपीएन सेटिंग को करने के लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में जाना है। यहाँ पे आपको जियो वाला सिम ओपन करना है और उसके अंदर एक्सेस पॉइंट नेम आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, आपको जो डिफॉल्ट एपीएन होता है उसे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और एक न्यू एपीएन बनाना है। तो न्यू एपीएन जो भी होगा गाइज वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेना है, टर्बो स्पेस स्मार्ट स्पेस वीपीएन। तो गाइज ये आपको यहाँ पे लिखना है। बाद में आता है एपीएन, तो एपीएन गाइज आपका होगा जियो नेट, आइडिया वाला का होगा इंटरनेट और वोडाफोन वाला का होगा www, एयरटेल वालों का यहाँ पे होगा airtelgprs.com, BSNL वालों का होगा BSNL.net। तो ये लिखना है गाइज, लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। प्रोक्सी पोर्ट नो सेट रहेगा। यूजर नेम पे आते हैं तो यूजर नेम में गाइज आपको यहाँ पे लिखना है स्मार्ट डॉट टर्बो VPN। तो गाइज ये यूजर नेम आपको लिखना है। लिखने के बाद पासवर्ड नो सेट रहेगा। सर्वर में आपको गूगल का सर्वर लिखना है, GOOGLE.com। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आएगा MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC, सब कुछ पहले जैसा। ऑथेंटिकेशन टाइप में गाइज आपको क्लिक करना है PAP टैप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। APN टाइप में गाइज आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा डिफॉल्ट कॉमा MMS, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सेव करना है। APN प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 तीसरे नंबर पे इस पर क्लिक करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 जो कि तीसरे नंबर पे है इस पर क्लिक करना है। तो गाइज लास्ट आता है बेगार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको सबसे पहले ये आपको मिलेगा अनस्पेसिफाइड पे, इसको वहाँ से अनटिक करना है। उसके बाद गाइज आपको सेलेक्ट करना है LTE EDG GPRS EVDO B EVDO A EVDO 0, ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर गाइस आपके डिवाइस में एक ही सिलेक्ट होता है तो आप ओनली LTE को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बैक आना है, इस एपीएन सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस दौरान गाइस आपका जो इंटरनेट और एपीएन दोनों जा सकते हैं और जहाँ तक मुझे पता है गाइस कुछ ही सेकंड में वापस भी आ जाएगा अगर चले भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है वो भी आ चुका है, एपीएन जो है वो भी एक्टिव है। तो गाइज अब तो ये हो गई एपीएन सेटिंग जो कि आपको जियो वालों को करनी है। जियो वाले हुए या फिर आइडिया, इंटरनेट, वोडाफोन, जो भी हुआ गाइज, आपको ये एपीएन सेटिंग करनी है। अब गाइज हो बाई चांस ये भी हो सकता है कि ये एपीएन सेटिंग आपके डिवाइस में काम ना करे और आपको इमरजेंसी एकदम से अभी के अभी इंटरनेट चलाना है, तो आप क्या काम करोगे? आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाओगे या कहीं जाओगे? तो गाइज आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जिनके पास जियो है खाली उनके लिए ये वाली ट्रिक है। आपको करना क्या है, जैसे आपको कुछ भी डाउनलोड या अपलोड करना है तो आपको कॉल लगानी है गाइस। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी रैंडम नंबर पे कॉल लगा देनी है जो भी आपके डिवाइस में चल सके। जिस नंबर से आप कॉल लगाओगे उस नंबर का जो इंटरनेट है वो एक्टिव भी होना चाहिए।
तो गाइज इसी तरीके से आपका जो मतलब इंटरनेट की स्पीड है वो एकदम हाई हो जाएगी। तो गाइज इस ट्रिक के थ्रू और इस एपीएन के थ्रू आप अपने डिवाइस में पा सकते हो मैक्सिमम एमबी स्पीड एमबीपीएस। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।